चैंपियन ट्रॉफी जा रहे हैं आप खेलने के लिए, क्या पूरी तरीके से जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि खेल में कुछ नहीं होता, सिर्फ खेल होता है? I think the responsibility is on us, and you know, hopefully we'll try to fulfill it to the full potential that we have got. कुछ महीने पहले की बात है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी दांव पर थी, मगर इस कप्तान में कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो उसे मुकद्दर का सिकंदर बनाता है। एक युवा टीम को यहां तक लेकर आना अपने आप में एक बड़ी जीत थी, मगर एक जीत और मजा तभी आएगा जब कप्तान के हाथ में होगी चैंपियंस ट्रॉफी। तेईस जून आज ही के दिन इंडियन क्रिकेट टीम ने आखिरी बार आईसीसी ट्रॉफी जीती थी। 2013 में महेंद्र सिंह धोनी और उनकी यंग ब्रिगेड ने अनबीटन रहते हुए चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। आज हम रिलीव करेंगे इस शानदार जीत को, जिसने इंडियन क्रिकेट पर उठ रहे बड़े सवालों को खत्म किया था। इंग्लैंड जाने से पहले महेंद्र सिंह धोनी, बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट सवालों के घेरे में था। वजह थी आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। I'm shocked, disappointed and distressed by the events that have resulted in the arrests last night and this morning. Rajasthan Royals is a special team and we have always operated like a family. So this is devastating. Spot fixing and corruption have hung over the game of cricket, which is extremely sad and dangerous. Why is it that there is no voice from your side, being the Indian captain, the leader of Indian cricket at this point of time? Why is this silence? Next question, please. Let him answer. He's the one captain minute. Of India. He's the captain of this India. This is not related with Champions Trophy. Yeah, right. I'm asking about the crisis that the Indian cricket team is going through right now. Yeah, next question, please. मुंबई में हुई प्री डिपार्चर पीसी में महेंद्र सिंह धोनी से सवाल पर सवाल किए गए, लेकिन धोनी चुप थे। फैंस और जर्नलिस्ट के मन में कई सवाल थे, लेकिन शायद उस वक्त चुप रहने में ही भलाई थी। आपको मैच फिक्सिंग में बारे में बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं। इतना कुछ चीज हो रहा था इंडिया में, इतना कुछ चीज चल रहा था, किसी को भी पता नहीं। आप हर दिन अलग अलग न्यूज पढ़ते थे, और मेरे हिसाब से उन्होंने सही किया कि इस मामले में उन्होंने घुसे नहीं। कोई किसी को भी नहीं घुसना चाहिए जो इस मामले को जानता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपके पास सही प्रूफ नहीं है, तो ये सही भी नहीं है किसी के बारे में कुछ बोलना। ये सब पीछे है। हम यही चाहते कि धोनी की आगे जो टूर्नामेंट है उस पर ध्यान दे और टीम अच्छा करे, जैसा मैंने कहा, बाकी सब कुछ ठीक हो जाए। टीम इंडिया इंग्लैंड तो पहुंच गई थी, लेकिन वहां भी फिक्सिंग के भूत ने टीम इंडिया का पीछा नहीं छोड़ा। आईसीसी ने भी प्लेयर्स पर काफी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। प्लेयर्स की रिस्ट्रिक्शंस उन पर बहुत थी। सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो कहते थे जी एसी एसयू आएगा, इनके फ़ोन टैप होंगे, इनको अपनी मूवमेंट्स बतानी पड़ेंगी। लेकिन जिस तरह से आईपीएल ख़त्म हुआ था और जो उस दरमियान जो सारी बातें थी, आई थिंक उसको लेकर शुरू में तो बड़ी एहतियात बरती गई, लेकिन उसके बाद मैंने देखा जब एक दो मैचेस हो गए तो प्लेयर्स थोड़े रिलैक्स्ड हुए। एमएस धोनी फिक्सिंग विवाद के बाद आईपीएल में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस स्किप कर चुके थे। मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे काफी तीखे सवाल किए गए थे। इंग्लैंड में जब महेंद्र सिंह धोनी और टीम इंडिया पहुंचे, वहां पर भी सवाल हुए। महेंद्र सिंह धोनी अब तक चुप थे, लेकिन सवाल और बात जब इंडियन क्रिकेट की साख पर आई, तब पहली बार महेंद्र सिंह धोनी ने इस पूरे मामले पर बयान दिया। When the right time comes, I'll answer. But you know, as of now, I don't think we have lost reputation. अब एक्शन क्रिकेट पर शिफ्ट हो चुका था। इंडिया ने वार्म अप मैचेस में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराया। दिनेश कार्तिक ने दोनों मुकाबलों में शतक जड़ा। मिडिल ऑर्डर बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहा था और मजबूत लग रहा था, लेकिन सवाल था सलामी जोड़ी पर। इंग्लिश कंडीशंस में भारतीय सलामी जोड़ी कैसा परफॉर्म करेगी? शिखर धवन और मुरली विजय दोनों के लिए वार्म अप मैचेस कुछ खास नहीं रहे थे।
It's good to have Murali Vijay and Shikhar Dhawan, you know, both fit and being the part of the side. They're someone who have done really well in the few test matches they have played against good sides. So we are really banking on that. England jaane se pehle aur warm-up fixtures ke baad, dono jagah Mahendra Singh Dhoni ne kaha ki opening Shikhar Dhawan aur Murali Vijay karenge. Lekin tournament opener mein Mahendra Singh Dhoni ne ek bada daav khela. Ek aisa daav जो न सिर्फ इंडियन क्रिकेट की बल्कि रोहित शर्मा की भी किस्मत बदलने वाला था। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता था और उसके बाद जब हमारी ओपनिंग कॉम्बिनेशन सेट हो गई थी शिखर और मुरली विजय की, तो मेरा नंबर था चार, बट चार नंबर पे दिनेश कार्तिक ने वहाँ पर प्रैक्टिस मैच में दो शतक बनाए थे, तो पता नहीं MS धोनी थोड़े कंफ्यूज थे कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही आकर पूछा कि आप ओपनिंग करना पसंद करोगे क्या, तो मैंने भी कहा बिल्कुल मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। हाँ, तो अगर वो मुझे बोलते थे कि अगर तुझे सात नंबर पे खिलाना है तो मैं वो भी तभी भी हाँ करता था, क्योंकि मुझे खेलना था और इंडिया के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। उसके पहले 2011 में वर्ल्ड कप हो चुका था जो मैंने मिस किया था, तो मुझे बड़े टूर्नामेंट्स खेलने थे। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पहले ही मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपनिंग सेंचुरी पार्टनरशिप जड़ दी। शिखर धवन ने 114 रन बनाए और भारत ने 331 रन बोर्ड पर लगा दिए। रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी जड़ी तो रविंद्र जडेजा ने तेज तर्रार 47 रन बनाए थे। आई थिंक वो उनका स्टार्ट ऐसा हो गया जो शिखर ने भी नहीं सोचा था। उसके बाद आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो कॉन्फिडेंस दिया कप्तान धोनी ने, न सिर्फ शिखर बट उनके साथ जो दूसरा सलामी बल्लेबाज था, और वहाँ से एक नए अध्याय का आगाज हुआ। और जिस तरह से रोहित शर्मा और शिखर ने शुरुआत की, आई थिंक उन्होंने एक नया टेम्पलेट भी सेट किया। रोहित का मास्टर स्ट्रोक था, टूर्नामेंट से पहले मुरली विजय की बात हो रही थी, लेकिन अचानक से जब रोहित और शिखर ने कार्डिफ में रन बनाए उसके बाद नो लुकिंग बैक। चेस करते हुए साउथ अफ्रीका ने रॉबिन पीटरसन को प्रमोट किया। दो विकेट गिरने के बावजूद AB डिविलियर्स और पीटरसन तेजी से रन बना रहे थे। इन दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी हुई और ये धीरे धीरे इंडिया से मैच दूर लेकर जा रहे थे। ऐसे में जरूरत थी टीम इंडिया को एक मैजिकल मोमेंट की। रविंद्र जडेजा का एक तरह से वो भी पहला ही एक तरह से आपको दिखा था कि यार अब ये ऑलराउंडर आगे चल के इंडिया के लिए लंबा खेलेगा। इक्का दुक्का वो T20 से पहले खेल चुके थे बट वो परफॉर्मेंस नहीं थी और रनआउट, लेकिन उस रनआउट के बाद भी देखें पैनिक किसने किया, साउथ अफ्रीका ने। आई थिंक रनआउट उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ए क्योंकि साउथ अफ्रीका उस वक्त ऐसी फील्डिंग साइड थी और इंडिया से उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई इंडिया का फील्डर आएगा और इस तरह से रनआउट मार देगा। उसके बाद तो फिर साउथ अफ्रीका पैनिक ही कर गया। और आई थिंक धोनी ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनके कुछ डिसीजंस थे ही अच्छे बट फिर उसके बाद उन्होंने पकड़ लिया। रविंद्र जडेजा ने पहले ही मैच में 3D परफॉर्मेंस दी, बल्ले से रन, रनआउट और फिर JP डुमिनी का क्रूशल विकेट। उमेश यादव ने AB डिविलियर्स को चलता किया और मैच भारत की पकड़ में था। रियान मैकलरन ने आखिर में एक लड़ाई जरूर लड़ी लेकिन टूर्नामेंट ओपनर 26 रनों की जीत के साथ भारत के नाम रहा। प्लेयर ऑफ द मैच रहे गब्बर शिखर धवन। इंडिया की अगली चुनौती थी वेस्ट इंडीज। महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला लिया। वेस्ट इंडीज का स्कोर 20वें ओवर में था 103/1 और यहां से शुरू होता है रविंद्र जडेजा का मैजिक। वन ऑफ द माय बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस आई कैन से दैट बिकॉज़ आई गॉट 3 times 4 wickets इन माय करियर, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट 5 wickets, सो आई एम वेरी हैप्पी। कंडीशंस तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा माकूल है मगर रविंद्र जडेजा अपने दिमाग से बल्लेबाजों को फंसा रहे हैं। चूंकि गेंद नया है वो विद्याम ज्यादा गेंदें अंदर करते हैं जबकि बल्लेबाज सोचते हैं कि गेंद ज्यादा टर्न होकर बाहर जाएगा, इसी में बल्लेबाज चकमा भी खा रहे हैं। चैंपियंस बनने के लिए भारत का सबसे बड़ा तुरुप का एक अब रविंद्र जडेजा बन गए। 182/9 से डेरन सैमी की अनबीटन हाफ सेंचुरी वेस्टइंडीज को 233 तक पहुंचाती है लेकिन भारत आसानी से ये टारगेट चेस कर लेता है। बैक टू बैक मुकाबलों में रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओपनिंग सेंचुरी पार्टनरशिप और लगातार दूसरे मैच में शिखर धवन का शतक। शिखर धवन इंडिया को जिता के लेके आ रहे हैं
वो इम्पोर्टेंट है। रोहित शर्मा ने बेहतरीन खेली, 60 रन बनाए, उसके बाद 50 रन बनाए, लेकिन जो फर्क किया है वो है शिखर धवन, क्योंकि जो बैट्समैन सेट होके 100 बनाते हैं वो बहुत क्रुशियल होते हैं किसी भी टीम के लिए। इंडिया ने सेमीफाइनल में अब अपनी जगह पक्की कर ली थी। आखिरी लीग मुकाबला था पाकिस्तान के साथ, जहां पर भारत को एक वन साइडेड जीत मिलती है। रेन इफेक्टेड मैच में पाकिस्तान सिर्फ 165 रन पर ऑल आउट हो जाती है और भारत ये मुकाबला जीत अपना विजय रथ आगे बढ़ाता है। जब कपिल देव और सौरव गांगुली के साथ इस मैच का हमने प्रीव्यू किया, तो उस प्रीव्यू में जब हम प्रीव्यू शूट कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान का, बर्मिंघम में मैच था, तो बड़ी ठंड थी और तेज हवाएं चल रही थी, तो दोनों ने कहा कि यार चांस ही नहीं। इंसिडेंटली जैसे मेरा प्रीव्यू शो खत्म हुआ तो सुनील गावस्कर साहब, जो किसी और चैनल के लिए काम करते थे, और नवजोत सिंह सिद्धू जो कमेंटेटर थे, तो फिर मैं उन चारों के साथ बैठा तो बात चली। अच्छा, मैं डरा हुआ था क्योंकि देखिए आप इंडिया पाकिस्तान का मैच है और वो कंडीशंस ऐसी थी जो पाकिस्तान को सूट करती थी, क्योंकि अगर बर्मिंघम में ठंड है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो हमें लगता था पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलेगी। तो मुझे याद है सनी भाई, बहुत अच्छी तरह तो नहीं मैं उनको उस वक्त जानता था जैसे अब, तो उन्होंने मुझे कहा अरे यार इतना क्यों डरे हुए हो। मैंने कहा नहीं, वो सनी भाई कल मैच पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने कहा फिक्र मत करो, ये मैच इंडिया कन्विंसिंगली जीतेगा, और हुआ भी ये। लीग स्टेज में अनबीटन रहने के बाद भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में श्रीलंका के साथ था। टिपिकल इंग्लिश कंडीशंस को देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया और भारतीय तेज गेंदबाजों ने जबरदस्त शुरुआत दी। सेमी कंडीशंस थी, भारत ने बॉल डाला और जबरदस्त शुरुआत की, क्योंकि संगाकारा का विकेट बड़ा विकेट था। जब संगाकारा आउट हो गए उसके बाद, क्योंकि वो उन कंडीशंस में लंबा खेल सकते थे, दिलशान उनको चोट लग गई, दिलशान का ये था कि वो मैच बदल सकते थे। बट अगर मैं उस मैच को ध्यान से देखता हूँ, इंडिया ने पकड़ ऐसी बनाकर रखी थी, श्रीलंका के पास मौका नहीं था, क्योंकि श्रीलंका के बल्लेबाज अदर देन एक दो उन कंडीशंस में हमेशा स्ट्रगल करते हैं। और फिर यहाँ पे अगेन कप्तान ने क्या किया, भुवनेश्वर ने बॉल डालना शुरू किया और फिर वो लगातार बॉल डालते रहे, उनको आपने अनचेंज 9 ओवर करवा दिए। शायद एमएस धोनी ने भी बॉल डाला था, लेकिन श्रीलंका किसी भी वक्त मुकाबले में था ही नहीं, और 182 रन कुछ भी नहीं होते। ईशान शर्मा और रविचंद्रन अश्विन ने 3-3 विकेट्स ली और श्रीलंका को सिर्फ 181 रनों पर रोका। बल्ले से शिखर धवन ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा, एक हाफ सेंचुरी जड़ी, साथ ही साथ विराट कोहली के बल्ले से भी अर्धशतक आया। भारत ने आसानी से मुकाबला जीता और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। कुछ महीने पहले की बात है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी दांव पर थी, मगर इस कप्तान में कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो उसे मुकद्दर का सिकंदर बनाता है। एक युवा टीम को यहां तक लेकर आना अपने आप में एक बड़ी जीत थी, मगर एक जीत और मजा तभी आएगा जब कप्तान के हाथ में होगी चैंपियंस ट्रॉफी। फाइनल में मुकाबला था इंडिया और होस्ट इंग्लैंड का, लेकिन बारिश ने फैंस और दोनों टीमों का इंतजार लंबा कर दिया। दो बेस्ट टीमें खेल रही थी फाइनल, इंग्लैंड होस्ट भी थे और भले ही वो बेसबॉल और ये सब तो नहीं आया था, लेकिन इंग्लैंड की टीम बड़ी अच्छी थी। जैसे ही 20 ओवर, क्योंकि पहले तो ये था कि क्या होगा, हुआ कि 20 ओवर का मैच होगा, हम सबको लगा शायद एडवांटेज इंग्लैंड के पास है, क्योंकि इंडिया का क्या था, इंडिया 50 ओवर की क्रिकेट आप बहुत अच्छा खेलते थे, 20 ओवर आप बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते नहीं थे। और फिर सवाल ये आ गया ना कि मतलब आप 20 ओवर में क्या करेंगे, और बर्मिंघम में मैच था, अगेन बरसात जहाँ होगी बर्मिंघम में ठंडी तेज़ हवाएँ रहेंगी, प्योर स्विमिंग कंडीशंस थी। एलिस्टर कुक ने टॉस जीता और बारिश को देखते हुए फील्डिंग का फैसला लिया। भारत का स्कोर एक वक्त पर 9 ओवर में 50 रन पर एक विकेट था, जो देखते ही देखते 13 ओवर में 66 पर 5 हो गया। भारत अब मुसीबत में था और वजह थे रवि बोपारा। रवि बोपारा का क्या रहा, वो टप्पे पे डालते हैं, और इस तरह का बॉलर इंग्लैंड में अगर आप ओवरहेड कंडीशंस ऐसी हो जाएं, वो टप्पे पे बॉल अंदर आएगा, टप्पे पे बॉल बाहर जाएगा, और आप वो आपको पेस नहीं दे रहे हैं कि आप ऊपर से मार दो। तो उन्होंने बॉल तो अच्छा डाला था, आपने सही कहा जब 66 पे 5 आउट हो जाएं किसी भी टीम के, एक फाइनल में वो भी होस्ट इंग्लैंड के खिलाफ, तो आपका कोई चांस नहीं था। लेकिन विराट कोहली के बारे में दुनिया जान चुकी थी, हमें मालूम था कि ये अब आपके फ्लैग बेयरर हैं, ये अब ये इंडियन क्रिकेट में मेन बैट्समैन, दुनिया क्रिकेट में शायद ये आगे चल के मेन बैट्समैन बन जाएंगे। बट बैटिंग की उस दिन एक तरफ विराट जो 43 रन तक उन्होंने एक मोर्चा संभाल के रखा, बट आई थिंक जो लास्ट 2-3 ओवर में रविंद्र जडेजा ने रन बनाए,
वो इंडिया को लग गए, क्योंकि एक वक्त लगा कि 110, 112, 115 और आप 129 तक जो पहुंचे वो रविंद्र जडेजा की बदौलत थे। Before going in, I said, you know, let's first of all get rid of the feeling that it's a 50-over game. You know, we are playing a 50-over format. It's a 20-over game. We have seen in IPL and in T20 formats that, you know, 130 runs can be, it can be a very difficult target to achieve. And second of all, you know, nobody looks to the left of the pavilion. That's the side where the rain was coming from. So I said, you know, God is not coming to save us. You know, if you want to win this trophy, we'll have to fight it out. You know, we are the number one ranked side. So let's make it sure that, you know, they have to fight for these 130 odd runs. And, you know, don't look for any outside help. 130 defend karte hue, Team India ko chahiye thi early wickets. Umesh Yadav ne इंग्लैंड कैप्टन एलिस्टर कुक को चलता किया और फिर बारी थी इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की सबसे बड़ी ताकत रही स्पिन जोड़ी की। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने विकेटें ली, इंग्लैंड पर दबाव बनाया और इंग्लैंड का स्कोर 10वें ओवर में हो गया था 46 रन पर 4 विकेट। ऑयन मॉर्गन और रवि बोपारा की पार्टनरशिप मैच इंडिया से दूर लेकर जा रही थी। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद थमाई ईशांत शर्मा को, जो सेमीफाइनल में तो प्लेयर ऑफ द मैच थे लेकिन इस मुकाबले में अभी तक महंगे साबित हुए थे। इंग्लैंड को 18 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत थी। ईशांत वेंट फॉर अ सिक्स, यू नो द देयर वाज स्ट्रांग ब्रीज गोइंग अक्रॉस द स्टेडियम एंड इफ यू मिडल द बॉल, यू नो, इट वर वेरी गुड चांसेस दैट इट विल गो फॉर अ सिक्स एंड नेक्स्ट प्लान वाज टू बॉल आउटसाइड ऑफ व्हिच आई फेल्ट, यू नो, ईशांत स्ट्रगल्ड अ बिट। प्रेशर ईशांत पर था। मॉर्गन ने ईशांत पर छक्का लगाया और फिर बैक टू बैक वाइड्स। अब 16 गेंदों पर जरूरत थी सिर्फ 20 रनों की। I said no, let's get back to the original plan. You know, this wide length delivery is not really working for you. So we brought him back and he bowled the slower one and it deceived the batsman. So it worked. As I always say, you have to see the strength of the bowler. You know, you can't just impose a plan because it works for the batsman, but you have to see whether the bowler can really, you know, implement that plan because you have to see whether it's his strength or not. Ishant ne match mein Team India ki zabardast wapsi karwai aur ab aakhri 2 over mein 19 run defend karne ki zimmedari thi Ravindr Jadeja aur Ravichandran Ashwin ki. ईशांत ने जो दो आउट किए, आप उस ओवर में देखें, उन दो आउट करने के बाद भी ये मैच इंग्लैंड का ही था, लेकिन फिर रविंद्र जडेजा, उनको गोल्डन बॉल भी मिला था, जडेजा ने जो 1900 ओवर डाला, दोनों ने भी आउट किए, तो आपने 18वें 19वें में जब चार ही आउट कर दिए, तो भले ही रनों के लिहाज से आप 15 रन लास्ट ओवर में आए, आज की तारीख में अगर आप 15 रन लास्ट ओवर में दे, परहैप्स बन जाएंगे, शायद उस वक्त भी बन जाते, लेकिन चूंकि 1, 2, 3, 4 जब आप विद इन अ स्पैन ऑफ 2 ओवर 4 आउट हो जाते हो, आप पैनिक कर जाते हो। और फिर अश्विन ने तो उस टूर्नामेंट में उस दिन बॉल इतना अच्छा डाला ही था, लेकिन लास्ट ओवर जब उनको पकड़ाया गया तब भी सबने सोचा यार लास्ट ओवर आप स्पिनर को करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कराया। और उस वक्त तो फिर अश्विन वाइट बॉल क्रिकेट में आपके मेन गेंदबाज भी थे। इंग्लैंड 115 पर 8, आखिरी ओवर 15 रनों की जरूरत, गेंद रविचंद्रन अश्विन के हाथों में, जिन्होंने अब तक 3 ओवरों में सिर्फ 6 रन दिए थे और 2 विकेट झटके थे। डॉट बॉल, बाउंड्री, सिंगल, डबल, डबल, मैच अब आखिरी गेंद पर डिसाइड होना था। इंग्लैंड को 6 रनों की जरूरत थी, स्ट्राइक पर ट्रेडवेल, और वो लाइन आज भी कानों में गूंजती है, ट्रेडवेल मिसेज, धोनी मिसेज, बट इट डजंट मैटर, इंडिया विन द चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब वो खुशी जो उस दिन थी वो अनपैरेलल्ड थी, बिकॉज अगेंस्ट ऑड्स इंडिया ने जीता और शायद इंडियन क्रिकेट को ज़रूरत भी थी। मैंने सौरभ से, मुझे याद है, ये पूछा था सवाल कि मैंने कहा दादा इस जीत के क्या मायने हैं,
उन्होंने कहा इस जीत के मायने बयान नहीं किया जा सकते, क्यों आप 2011 वर्ल्ड कप के बाद ये खेल रहे हैं और मैच फिक्सिंग के साए से आप आए हैं और आज आप वर्ल्ड चैंपियन दोबारा बन रहे हो। उन्होंने फिर पैरेलल ड्रॉ किया अपने से, उन्होंने कहा मेरी भी कप्तानी थी, शुरुआत थी मैच फिक्सिंग जब 2000 में इंडिया में हुई और नैरोबी हम गए, यंगस्टर्स के साथ गए थे, आपको याद होगा जहीर खान, युवराज सिंह, उस दिन इंडिया फाइनल हार गया था, लेकिन उन्होंने उससे पैरेलल ड्रॉ किया कि अगर उस वक्त हम नैरोबी इतना अच्छा नहीं खेलते, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तक नहीं जाते, तो शायद इंडियन क्रिकेट रिवाइव ना होता। और ये भी मैं मानता हूँ कि 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतना एक तरह से रिवाइवल इंडियन क्रिकेट का हो रहा है। व्हाइट ब्लेजर्स में विराट कोहली और टीम इंडिया का डांस, क्या इंडिया क्या इंग्लैंड, हर जगह इंडियन फैंस खुशी में झूम रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब इंतजार लंबा रहेगा। आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई भी आईसीसी टाइटल जीता नहीं है। इस साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप भारत में है और उम्मीद ये है कि इस साल भारतीय टीम ये इंतजार भी खत्म करेगी। तो ये था चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के चैंपियन बनने का सफर। फिक्सिंग के सवालों में घिरे हुए इंडियन क्रिकेट को कुछ ऐसे ही रिजल्ट की जरूरत थी। एमएस धोनी और उनकी यंग टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के पहले ऐसे कप्तान बने जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती। शिखर धवन गोल्डन बैट जीतते हैं तो वहीं रविंद्र जडेजा गोल्डन बॉल अपने नाम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको स्पेशल शो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ऐसे ही कुछ वीडियोस आप और चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया पर ज़रूर बताएं और स्पोर्ट्स तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।